देवता से पूजा पाठ करते हैं। यदि आप कितनों नाच रहे, कितनों गा रहे, कितनों भाषा बोल रहे और कितनों लाल साड़ी पहन ले, यदि आप अपनी पहन धर्म का लोधिन दर्शन को हम आपके समक्ष कहना चाहते हैं। हमारी धर्म कोट का अभियान या हमारा सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए गर्म और तरुण बनाने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि जब हमारे भाई लोग कर्म काटने के लिए जाता है और हमारा दर्शन है कि ऐसा काटा जाता है कि कर्म का जो पेड़ है जमीन में गिरने नहीं दिया जाता। लेकिन इसकी खामियां क्या है, कर्म पूजा शुरू हुआ कि नहीं हमारे नौजवान शराब पीना शुरू कर देते हैं। हमारी दर्शन ऐसा है जैसे आप देखते होंगे जवा फूल की क्या उपयोगिता है, जवा फूल शिशु का उत्पत्ति है। हम चाहते हैं कि आने वाला समय में कैसा हमारा शिशु होगा, हमारा दर्शन कैसा होगा, हमारा प्राण विरासत कैसा होगा, ये बहुत चीजों को छूता है। ऐसे जो कर्म महोत्सव विभिन्न जो है दर्शन में कहा गया है, लोक कथाओं में कहा गया है, ये भाई बहनों का भी महोत्सव है, भाई बहनों का भी पर्व है। और कर्म और कर्म और धर्म का इसी कहानी है जो संघर्ष है। संघर्ष का दर्शन इसलिए कहा गया है कि आप गलत तरीके से आदिवासी समाज पैसा मत कमाओ, मेहनत कर करके कमाओ और सही रास्ते के लिए जो है तुम पैसा कमाओ, ये हमारा दर्शन है। डॉक्टर रामदयाल मंडला मुंडा ने अपने किताबों में लिखा है जब हम कुंडली रोपते हैं या हमारा जो है घोड़ा धान होता है एक नवा खानी के रूप में, और जो हम लोग बीज बोते हैं चाहे धान रोपते हैं तो आराम फरमाने के लिए भी ये त्योहार मना जाता है। आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ कि गर्म और सरूर धर्म का दर्शन इतनी विश्वास है कि इसको हमको सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन खेत के साथ करना पड़ रहा है। जो भी सरकारें आती है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारी लेखन होनी चाहिए, संवर्धन होनी चाहिए, ये नहीं करता है। इसके लिए हम हमारे जो आदिवासी समाज के लोग इसको आगे आकर समर्थन करने की आवश्यकता है और कर्म और जरूरत के आधार पर हम अपने आदिवासी समाज को हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों आज के दिन में जो हमारा धर्म और संस्कृति और संवैधानिक अधिकार पर जो ज्यादा हमला हो रहा है, जैसे आज के दिन में जो भारत सरकार के लोग यूसीसी ला रहा है, कॉमन सिविल कोड और ऐसा कानून ला रहा है, ऐसा अधिनियम ला रहा है, एक कानून एक देश एक धर्म, तो हम समझते हैं कि यदि वो आ जाता है कॉमन सिविल कोड तो हम समझते हैं कर्मा भी नहीं रहेगा, हमारा छठी अनुसूची भी नहीं रहेगा, हमारा जो है क्या बोलते हैं जरूर भी नहीं रहेगा, और हम जो हमारा जो गांव में जो हम शादी विवाह करते हैं या तलाक की हमारी जो अपनी परंपरा में लिखा हुआ है और गोद लेने का परंपराएं हैं, ये सभी चीजों को समाप्त हो रहा है। इसीलिए हम अपील करने के लिए आए हैं हमारे नौजवानों भाइयों और बहनों को कि आने वाला समय जो भी धर्म संस्कृति को बर्बाद करता है या उसको निस्तापुत करने का प्लान करता है उसके विरोध भी हमको आगे आना होगा। हम देखते हैं कि जमीन की समस्या बहुत है, जहाँ देखो इन समाज के लोग माफिया चौक और हमारे जात का भी दलाल नेता लोग जमीन को छीना जा रहा है, गलत तरीके से गलत हुक्मनामा बना करके गलत जो है कागज बना करके सिली के क्षेत्र में भी बहुत आया है, रांची में तो पूरा समाप्त कर दिया है। तो आपको जो है धर्म और जमीन के लिए आने वाला समय में गुलगुलान और लड़ाई करने की आवश्यकता है, तभी आदिवासी समाज लगेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, धर्म गुरु जी का बहुत बड़ा खेल है कि हम हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं इस क्षेत्र के लोग वाहन पुरोहित छोड़ करके ब्राह्मण वादी व्यवस्था से पूजा पाठ करते हैं। यदि आप कितनों नाच रहे, कितनों गा रहे, कितनों भाषा बोल रहे और कितनों लाल साड़ी पहन ले, यदि आप अपनी वाहन पुरोहित पूजा नहीं करते हैं तो आपका पर्व त्योहार कोई उचित नहीं है। इसीलिए आइए मिलजुल करके आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग देख रहा है कि आदिवासी क्या कर रहा है। देखिए आदिवासी को लड़ाया जाता है इसलिए क्योंकि जमीन पर नजर है, और पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि हमारे जमीन के नीचे सोना कोयला लोहा जितने भी चीजें हैं जो हमारे जमीन के नीचे है, इसलिए हमको कई वर्गों से लड़ना है। अभी हमारे क्षेत्र में देख रहे थे, हमारा मध्य प्रदेश में देख रहे थे कि पेशाब किया जा रहा है, कभी पेशाब किया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं को निवश करके घुमाया जा रहा है,
अरे तरह का अत्याचार हो रहा है, कभी संविधान संशोधन करके, कभी पेशाब किया करने के ये पद है। इसलिए समाज को जागरूकता करने की आवश्यकता है, और इसलिए हम कहना चाहते हैं जो हमारे बीच में जो समाज क्या करता है, आप अच्छे लोगों को पहचान, कौन संगठन करता चलाता है, कौन अच्छे नेता है, कौन अपना अच्छा अभिभावक है, तभी समाज बचेगी। आज देखते हैं हम गर्म का मौसम है, जरा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं अंतिम शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो भी विरासत है हमारे, चाहे सिद्धू का अनुदान भाई हो, बिरसा मुंडा, चाहे भी गुजरात ने दिया है, सिर्फ जमीन की लड़ाई है। इसलिए मित्रों, भाइयों, बहनों, जमीन को बचाने के लिए जहाँ आंदोलन होगा, अधिकारियों का बात मत मानिए, आप सीधे हथियार के बल पर कब्जा करिए, नहीं तो बच नहीं पाएगा। हमेशा देखते हैं कि पैसा लेकर के जो है वीडियो सीओ हमारे जमीन को छीनता है। इसलिए आइए मिलजुल करके हम संगठन को बढ़ाए, और कई अनेक अनेक संगठन भी है, लेकिन जहाँ आदिवासी पर हमला होता है, जहाँ आदिवासी पर अत्याचार होता है, वहाँ एकजुट होकर के आप आगे बढ़िए, और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। धर्म का मौसम है, नाचने गाने का मौसम है, धर्म का दर्शन तभी जिंदा रहेगा जब धर्म और जमीन जिंदा रहेगा। इसी चरण शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय करम, जय धर्म, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आवाज जो हम एक है, एक है, एक है, देश के आदिवासी एक हो, एक हो।